बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एमएस पावर पॉइंट में सीखेंगे, यहाँ पर जो गन प्रेजेंटेशन हम यहाँ पर सीखेंगे, तो यहाँ पर जो बुलेट्स कैसे यहाँ पर ऑटोमेटिकली फायर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं F5 प्रेस करूँगा। सबसे पहले आप देखिए इस प्रेजेंटेशन को। इसमें आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली निकलते हैं, यहाँ पर जो बर्ड्स हैं ठीक है फ्लाई करते हैं, तो कुछ बर्ड्स को फ्लाई करते यहाँ पर आप देखते हैं। ये प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, क्या क्या स्टेप्स आज सीखेंगे, तो इस प्रेजेंटेशन को मैं सबसे पहले स्टॉप करूँगा, इसके प्रेस करूँगा ठीक है। तो एस्केप की प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऑफिस बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर लेआउट पर जाओ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ब्लैंक पर क्लिक करना है ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है डिज़ाइन पर क्लिक करना है, डिज़ाइन टैब पर क्लिक, उसके बाद पे सेटअप पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये विड्थ ऑफ स्लाइड रखनी है ठीक है। चलो कि यहाँ पर हम रखेंगे 16 या 15 या 16 रखो। तो उसके बाद यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करूँ, तो ओके पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, तो स्लाइड निकालने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इंसर्ट टेप पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको शेप पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको कैन शेप यहाँ पर आपको क्लिक करना है कैन ठीक है। उसके बाद इसको ड्रॉ करना है ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले उसको मूव करना है, ऐसे रोटेट करना है ठीक है। रोटेट करने के बाद ऐसे रखना है यहाँ पर ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस येलो डॉट पर स्क्रीन पॉइंट रखकर उसके बाद खींचना है ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट टैब पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको शेप फिल पर की, यहाँ पर आपको नो फिल पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि यहाँ पर हम थोड़ा बहुत इसका हम लंबाई इंक्रीज़ करेंगे, साइज़ ठीक है, साइज़ यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किया है ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दोबारा इंसर्ट पर क्लिक करना है, इंसर्ट टे पर क्लिक करना है, उसके बाद शेप पर क्लिक करना है, उसके बाद यही कैन शेप पर आपको ये शेप पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक और शेप यहाँ पर आपको क्रिएट करने है बाहर, चलो कि बाहर क्रिएट करो ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा बहुत इसका साइज बढ़ा ठीक है, यहाँ पर आप देखिए। तो उसके बाद फॉर्मेट टैब पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर आपको शेप पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि यहाँ पर हम इसका कलर रखेंगे, चलो येलो ही रखेंगे, उसके बाद इसको यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर रोटेट करो ग्रीन डॉट से ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको रखना है इसके मिडल में ठीक है। तो अगर उसको लंबा करना है तो लंबा कर सकेंगे आप ठीक है। तो यहाँ पर इसके साथ रखना है इसको। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि यहाँ पर हम क्लिक करेंगे जो बड़ी शेप है ठीक है। तो यहाँ पर चलो बैकग्राउंड ये सेंड टू बैक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है, वेट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आउटलाइन पर क्लिक करना है। तो आउटलाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि थोड़ा बहुत यहाँ पर हम इसका थोड़ा बहुत साइज बढ़ा, ओके हो गया ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत उसको ऐसे करना है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें दोबारा इंसर्ट पर टेप पर क्लिक करना है, शेप पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको फ्री फॉर्म पर क्लिक करना है ठीक है, इस शेप पर ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको क्लिक करना है, फिर माउस का बटन रिलीज़ करना है ठीक है। माउस का बटन रिलीज़ करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे फिर क्लिक करना है, फिर खींचना है, फिर क्लिक करना है, फिर बटन को रिलीज़ करना है, ऐसे फिर क्लिक करना है, फिर ऐसे करना है ठीक है, फिर डबल क्लिक करना है ठीक है। तो यहाँ पर
ये माना कि इसका मैगजीन बन गया, ठीक है, उसको बड़ा करना है, आप बड़ा कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको शेप फिल पर, ये फॉर्मेट टेप पर, यहाँ पर शेप फिल, यहाँ पर आपको कलर देना है, आप कलर दे सकेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हमें दोबारा इंसर्ट टेप पर क्लिक करना है, शेप पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक लाइन लेनी है, लाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ आपको लाइन खींचनी है ऐसे, तो उसके बाद दोबारा इंसर्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद शेप पर क्लिक करना है, एक और लाइन पर क्लिक करना है, एक और लाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस जी करना है, तो ये ग्रुप, दो लाइंस ग्रुप में हो गए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट टेप पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको वेट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर, ठीक है, इस पर क्लिक मैंने किया, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा क्लिक करो, वेट पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। पहले हम देखेंगे इसका ग्रुप बन गया या नहीं, नहीं अभी ग्रुप नहीं बन गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसी कंट्रोल की होल्ड करके रखो, ठीक है, कंट्रोल प्लस जी करो, तो आप ग्रुप बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि यहाँ पर हम फॉर्मेट टेप, उसके बाद यहाँ पर हम ये लाइन के लिए कलर, यहाँ पर शेप आउटलाइन में, ठीक है, शेप आउटलाइन में आप कलर दे सकेंगे, ठीक है। चलो कि यही कलर हम देंगे, ब्लैक। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम दोबारा इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर शेप टूल टेप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फ्री फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक लाइन खींचनी है, ठीक है, लाइन खींची, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे क्लिक करो, फिर ऐसे थोड़ा बहुत, फिर ऐसे। तो आप अगर इसको छोटा भी करना आप कर सकेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट टेप पर क्लिक करना है, यहाँ पर शेप फिल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यही येलो कलर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको बैक करना है, सेंड टू बैक पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ओके हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो ये करने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एक बिलेट बनाने है। बिलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम शेप टूल टिप पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम बिलेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये शेप लेंगे हम, ठीक है, चलो कि यही शेप हम ये शेप लेंगे, ठीक है। ये आप देखते हैं ये शेप, तो उसके बाद यहाँ पर उसको मूव करो, ठीक है, रोटेट करो ऐसे, हो गया ये, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा इंसर्ट पर क्लिक करना है, शेप पर क्लिक करना है, एक और शेप यहाँ पर आपको लेंगे, चलो कि यही हम कैन लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसको ड्रॉ करो, ठीक है, ड्रॉ करने के बाद उसको मूव करो, ठीक है, रोटेट करो, ठीक है। आप यहाँ पर इसको रखो, तो उसको उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेट टेप पर जाओ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सेंड टू बैक करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको इस शेप थोड़ा बहुत, इस शेप को छोटा करना है। आप यहाँ पर इस कैन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इसको आपको लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या क्या देखते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे पहले इस बिलेट शेप पर, उसके बाद यहाँ पर आपको शेप आउटलाइन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, नो लाइन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप अगर आपको यहाँ पर ये जो दूसरी शेप है, यहाँ कैन, इसको थोड़ा बहुत कम करो, ठीक है। आप यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका एक कलर देंगे यहाँ पर, चलो उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। तो ये वापस हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको वापस इन फ्रंट करो, ठीक है, फिर बैक करो। तो उसको भी यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शेप फिल पर क्लिक करेंगे, यही कलर हम देंगे, ठीक है, यहाँ ये कलर देंगे,
हो गया, यहाँ पर ये बिलेट का शेप यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है क्या करना है, कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस जी करना है, तो कंट्रोल प्लस जी करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट टेप, यहाँ पर शेप आउटलाइन, यहाँ पर नो लाइन, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको उठाना है, यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। आप कंट्रोल की होल्ड करके रखना है ऐसे कि बिलेट्स, यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ऐसे कंट्रोल की होल्ड करके रखो, अगर आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे, कंट्रोल प्लस डी भी करेंगे, वो भी कर सकेंगे आप, ठीक है। ओके हो गया, ठीक है। थोड़ा बहुत इसको लाइन पर ले लो, हो गया ये, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कंट्रोल प्लस डी करेंगे, एक और शेप मैंने यहाँ पर ली है, ठीक है। आप यहाँ पर इस शेप को यहाँ पर रखना है, ठीक है। आप इसको रोटेट करना है ग्रीन डॉट से, आप इस पोजिशन में आपको रखना है, आप यहाँ पर कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, जो कीबोर्ड पर कर्सर मोमेंट कीज होते हैं, ठीक है, इनसे आपको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, एक और बिलेट यहाँ पर आपको रखना है, एक और बिलेट यहाँ पर आपको रखना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम इसको नीचे करेंगे थोड़ा बहुत, यहाँ पर इसको नीचे करेंगे, सेट करना है यहाँ पर, थोड़ा बहुत इस वीडियो को टाइम लगता है, ठीक है। अगर आपको ये सीखना है तो फिर यहाँ पर आपको पूरा वीडियो देखना है। थोड़ा बहुत अगर ब्लू साइज काम भी करेंगे, वो आपकी मर्जी है किस तरह आप बुलेट्स को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत चलो हो गया सेट, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, चलो कि यहाँ पर हम इसका कलर देंगे, क्लिक किया, अब देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट टैब, हो गया कलर, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन कलर देंगे, ओके, ये भी अच्छा हो गया, ठीक है। आप इसका भी कलर आप देंगे यहाँ पर, आप दे सकेंगे, ठीक है, शेप फिल, यहाँ पर ये कलर देना है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद टेक्सचर, यहाँ पर आप देखते हैं टेक्सचर से हम देते हैं यहाँ पर, बिल्कुल अच्छा हो गया, ठीक है। तो इसको छोटा करो थोड़ा बहुत, थोड़ा यहां पर ले लो, उसके बाद यहां पर क्लिक करो, इसको यहां पर रखो, यहां पर क्लिक करो, इसको यहां पर रखो, यहां पर क्लिक करो, इसको यहां पर रखो, ठीक है। अब थोड़ा बहुत यहां पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत सेटिंग करनी है, अब हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या कर रहा है, आप यहां पर हमें सबसे पहले इस बुलेट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एनिमेशन पर क्लिक करना है, उसके बाद कस्टम एनिमेशन पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर मोशन पाथ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको लेफ्ट पर क्लिक करना है। तो लेफ्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर थोड़ा बहुत, चलो कि यहाँ ही पर रखेंगे, बाद में देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, स्टार्ट विथ प्रीवियस पर क्लिक करना है, दोबारा राइट क्लिक करना है, टाइमिंग पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, टाइमिंग यहाँ पर हम 0.5 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर हमें क्लिक करना है अंटिल टू नेक्स्ट, उसके बाद इफेक्ट टे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस पर अनटिक करना है, यहाँ पर क्लिक करिए, अनटिक हो जाएगा स्मूथ एंड, ठीक है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। तो अब दूसरे बिलेट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, मोशन पाथ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है इस पर, उसके बाद स्टार्ट विथ प्रीवियस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद टाइमिंग पर क्लिक करना है। टाइमिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 0.5 रखना है, यहाँ पर आपको इस बटन पर क्लिक करना है, अनटिल नेक्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट टेप पर क्लिक करना है, स्टार्ट स्मूथ स्टार्ट इसको ऑन टिक करना है, स्मूथ एंड इसको ऑन टिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, उसके बाद बिलिट 3 पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर मोशन पाथ पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद स्टार्ट विथ प्रीवियस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है दोबारा इसी पर, उसके बाद टाइमिंग पर क्लिक करना है, टाइमिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको 0.5 रखना है, उसके बाद आपको रिपीट बटन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर अनटिल नेक्स्ट क्लिक पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्ट टेप पर क्लिक करना है, स्टार्ट स्मूथ स्टार्ट अनटिक करना है, स्मूथ एंड अनटिक करना, ओके पर क्लिक करना है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस बिलिट पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर एडिट पर क्लिक करना है, उसके बाद मोशन पाथ पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना, स्टार्ट विथ प्रीवियस, दोबारा राइट क्लिक करना है, टाइमिंग पर क्लिक करना है, टाइम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.5 रखना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक, यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके बाद इफेक्ट टेप पर क्लिक करना है, स्टार्ट स्मूथ स्टार्ट अनटिक करना है, स्मूथ एंड अनटिक करना, ओके पर क्लिक करना है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद मोशन पाथ पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद स्टार्ट विथ प्रीवियस पर क्लिक करना है, दोबारा राइट क्लिक करना है, टाइमिंग पर क्लिक करना है, टाइमिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्पीड पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0.5 रखेंगे, यहाँ पर रिपीट पर बटन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद इफेक्ट टेप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्मूथ स्टार्ट अनटिक करना है, स्मूथ एंड अनटिक करना, ओके पर क्लिक करना है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है इस बिलेट पर, उसके बाद एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद मोशन पाथ पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट विथ प्रीवियस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको दोबारा राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद टाइमिंग पर क्लिक करना है, टाइमिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पीड बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको 0.5 रखना है, हर एक को 0.5 रखना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिपीट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, यहाँ पर आपको इफेक्ट ए पर क्लिक करना है, स्मूथ स्टार्ट अनटिक करना है, स्मूथ एंड अनटिक यानी कि क्लिक करें अनटिक हो जाएगा, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है, तो ओके पर क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस बिलेट पर क्लिक करना है, बिलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको मोशन पाथ पर क्लिक करना है, एबो पर क्लिक करना है, यहाँ पर ये देखो ये यहाँ पर क्या करूँगा मैं, ठीक है, उसके बाद ये जो एरर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसको क्या करो, ऐसे डाउन करो, ठीक है ऐसे, तो डाउन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद स्टार्ट विथ प्रीवियस पर क्लिक करो, यहाँ पर राइट क्लिक करो, उसके बाद टाइमिंग पर क्लिक करो, टाइमिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, 0.5 रखना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अनटिल नेक्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट पर क्लिक करना है, स्टार्ट यहाँ पर अनटिक, इसको भी अनटिक, यहाँ पर ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है दूसरी इस मैगजीन के दूसरे बिलेट्स पर क्लिक बिलेट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एड इफेक्ट पर, उसके बाद मोशन पाथ, यहाँ पर आपको एबो पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो बिलेट उधर गई है ना, ठीक है, तो यहाँ पर आपको इधर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रीन पॉइंटर आप खींचना है, ठीक है ऐसे, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद स्टार्ट विद प्रीवियस पर क्लिक करना है, दोबारा राइट क्लिक करना है, टाइमिंग पर क्लिक करना है, टाइमिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्पीड बटन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको 0.5 रखना है, उसके बाद रिपीट बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट ए पर क्लिक करना है, स्मूथ स्टार्ट अनटिक करना है, स्मूथ एंड अनटिक करना, ओके पर क्लिक करना है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट बिलेट पर क्लिक करना है, उसके बाद ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद मोशन पाथ पर क्लिक करना है, मोशन पाथ पर क्लिक करने के बाद एबो पर क्लिक करना है, एबो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए दोबारा, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद वाई डॉट आता है, वाई डॉट को यहाँ पर आपको खींचना है नीचे, ठीक है, यहाँ आपको रखना है सीधा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ तक रखो, ठीक है, तो
तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो इस पर वापस क्लिक करो आप, राइट क्लिक, स्टार्ट विथ प्रीवियस, दोबारा राइट क्लिक, टाइमिंग, उसके बाद टाइम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्पीड 0.5 रखना है, यहाँ पर आपको रिपीट बटन, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक, उसके बाद यहाँ पर आपको इफेक्टिव, उसके बाद स्मूथ, एंड स्टार्ट अनटिक, एंड अनटिक, ओके। ठीक है, तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत आप देखिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर आपको चलो कि यहाँ पर मैं साउंड देऊंगा, ठीक है। साउंड कैसे हम देखें, एमिनेशन टेप पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप साउंड देखते हैं, तो साउंड देखने देने के यहाँ पर आप देखिए, साउंड मैंने दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस साउंड को क्या करो, यहाँ पर हम इसको लूप में रखेंगे, ठीक है। तो आप चलो कि हम F5 यहाँ पर प्रेस करेंगे, हम देखेंगे क्या होगा। यहाँ पर आप देखेंगे एस्केप की मैं वापस प्रेस करूंगा, थोड़ा बहुत इसको इस बक्स को मैं ऐसे करूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो फिर अच्छा लग होने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एरो है ना, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको आगे लेना है, ठीक है। तो आप दोबारा F5 प्रेस करो, ये देखिए, लास्ट क्या करना है यहाँ पर एस्केप की मैं वापस प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर एमिनेटेड बर्ड्स में लाऊंगा, ठीक है। एमिनेटेड बर्ड्स लाने के लिए सबसे पहले उनको आपको डाउनलोड करना है गूगल से, ठीक है। तो मैंने डाउनलोड करके रखे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पर क्लिक करना है। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पिक्चर पर क्लिक करना है, पिक्चर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एमिनेटेड बर्ड मुझे ढूंढना है, यहाँ पर मैंने रखे हैं डी फोल्डर में, तो अपने हिसाब से वहां पर उस फोल्डर को आप ओपन करेंगे, ठीक है। तो एमिनेटेड बोर्ड यहाँ पर है, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद इंसर्ट पर मैंने क्लिक किया है, तो एमिनेटेड बोर्ड यहाँ पर आए, ठीक है। आप देखिए, तो आप यहाँ पर मैं कंट्रोल की होल्ड करके रखूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एमिनेशन देना है, यहाँ पर आप क्लिक करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक, ये एड इफेक्ट पर क्लिक करना है, उसके बाद मोशन पाथ पर क्लिक करना है, लेफ्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप देखिए, तो उसके बाद यहाँ पर आप यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एमिनेटेड बोर्ड को यहाँ पर लाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर दोबारा एड इफेक्ट पर जाऊंगा, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहां पर हमें डाउन पर क्लिक करना है, डाउन पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद स्टार्ट विद प्रीवियस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद टाइमिंग पर क्लिक करना है, टाइम पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको रखना है थोड़ा बहुत टाइम ज्यादा, ठीक है। यहां पर हम रखेंगे, चलो कि यहाँ पर हम रखेंगे 16 सेकंड्स, उसके बाद यहां पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लिक, ये आपको आता है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव, स्मूथ, अनटिक, इस स्मूथ एंड को अनटिक, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आप यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं प्रेस करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, तो चलो कि सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन देखेंगे, F5 में प्रेस करूँगा, डाउन रखा है, ठीक है। तो डाउन यहां पर आपको इसको यहां पर नीचे लाना है, ठीक है। जो बर्ड्स मैंने यहां पर डाउन किए ना, ठीक है, तो उसको यहां पर मैं लाऊंगा, ठीक है, या F5 में दोबारा प्रेस करूंगा, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, बर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे, एड इफेक्ट मोशन पाथ, सॉरी एड इफेक्ट मोशन पाथ लेफ्ट, ठीक है। उसके बाद यहां पर राइट क्लिक करेंगे,
सॉरी, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, स्टार्ट द प्रीवियस, उसके बाद दोबारा राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग, उसके बाद टाइमिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि यहाँ पर हम टाइमिंग रखेंगे, चलो कि हम रखेंगे यहाँ पर 7 सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अनटिल नेक्स्ट क्लिक, उसके बाद एड इफेक्टिव, यहाँ पर अनटिक करना है, यहाँ पर अनटिक करना है, उसके बाद ओके पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जो जो मैंने यहाँ पर जो बर्ड्स डाउन किए हैं, ठीक है, अब कौन से बर्ड्स है, ये बर्ड्स है, ठीक है, शायद ये यहाँ पर टाइमिंग मैंने इनको नहीं रखे, चलो कि यहाँ पर हम रखेंगे 12 सेकंड्स, ठीक है, ओके। F5 प्रेस करूँगा, डाउन बर्ड्स मैंने कहाँ पर रखे हैं, ये सबसे पहले हम देखेंगे उसको, चलो इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, अब एड इफेक्ट मोशन पाथ, यहाँ पर मैं डाउन रखूँगा, डाउन, ये डाउन, तो यहाँ पर एरो है ना ये, इस पर आपको क्लिक करना है, इसको डाउन में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद स्टार्ट विद प्रीवियस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, उसके बाद टाइमिंग रखना है, टाइमिंग रखने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, चलो कि यहाँ पर हम रखेंगे 10 सेकंड्स, उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, उसके बाद इफेक्ट यहाँ पर इसको ख़त्म करना है, यहाँ पर क्लिक करना, अनटिक करना, ओके पर क्लिक करना, दोबारा देखिए F5 प्रेस करेंगे, पर जो टाइमिंग है इसका टाइमिंग मेरे ख्याल में ज्यादा मैंने रखी है, ठीक है, चलो कि यहां पर हम मैं रखूंगा 5 सेकंड्स, ठीक है, ओके। यहां पर आप देखते हैं, ये देखो बर्ड गिर गए, ठीक है, देखिए यहां पर जो प्रेजेंटेशन है और बनाई है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली मैगजीन से यहाँ पर आते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन आपने देखा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ बर्ड्स जो बिलोट तक लगते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर आप जो स्टेप्स मैंने यहाँ पर किए, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर वो आप कलर दे सकें, तो दिस वॉज ऑल दिस वीडियो, यहाँ पर ऑटोमेटिक गन बनाया, ठीक है, बर्ड्स यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, तो बर्ड्स यहाँ पर आपने देखे हैं, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़।